टॉपिक था पजेसेस या पजेशन, यानी कि ओनरशिप जाहिर करना किसी भी चीज पर, ठीक है, अपनी मिल्कियत जाहिर करना। मिल्कियत जाहिर करने के हमने चार तरीके सीखे थे, जिसमें सबसे पहले हैव, पजेसिव नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन था। जिस तरह से हमने पजेसिव नाउन और हैव को हमने समझ लिया था कि किस तरह से हम उसमें उसके जरिए ओनरशिप जाहिर कर सकते हैं, आज हम इसी वीडियो का पार्ट टू बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउन्स कि हम उनके जरिए किस तरह से किसी भी चीज पर अपनी पजेशन जाहिर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। इससे पहले कि मैं आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन बताऊं, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिखूं, तो उस सेंटेंस में एक होगा उसका स्टार्टिंग पार्ट और एक होगा उसका एंडिंग पार्ट। स्टार्टिंग पार्ट में जो भी सब्जेक्ट आता है उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और एंडिंग पार्ट में जो भी सब्जेक्ट आता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी कि हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब स्टार्टिंग पार्ट और एंड, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब एंडिंग पार्ट, ठीक है। जिस तरह से एक मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं कि अगर मैं प्रोनाउंस के बारे में आपसे बात करूं, कि हम सब जानते हैं प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन यानी कि अगर मुझे प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मैं इनका इस्तेमाल करूंगी अगर मैं इनको स्टार्टिंग में यूज करना चाहूँ, स्टार्टिंग पार्ट में यूज करना चाहूँ। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई बिलीव ऑन, या आई लाइक। अब मैं किसी और प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आई लाइक यू, आई लाइक हिम, आई लाइक हर, यू लाइक मी, तो इस तरह से अब जो यहाँ पर प्रोनाउन्स आएंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स आएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो वो वी हो जाएगा। इसी तरह वी का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। तो आपने देखा कि मायने वही रहेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें, तुम मुझे, बात सब्जेक्ट्स की ही हो रही है, लेकिन फर्क जगह का होता है, प्लेसमेंट का होता है, कि अगर स्टार्टिंग में आती है तो हम उसको सब्जेक्टिव केस काउंट करेंगे, और अगर एंडिंग में आती है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। इसी तरह से इसी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हम समझेंगे पजेशन में। पजेशन में भी ऐसा ही होता है कि अगर जस्ट सपोज मुझे किसी चीज पर पजेशन जाहिर करनी है प्रोनाउंस के जरिए, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउन ओनली विद प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, इसमें नाउन का कोई कंसर्न नहीं है, नाउन से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। जैसे हम पजेसिव नाउन में प्रोनाउन से कोई कंसर्न नहीं था, ओके, उस प्रोनाउन से कोई वास्ता नहीं था, उसका प्रोनाउन के साथ पजेसिव नाउन नहीं आ सकता। इसी तरह से पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सिर्फ प्रोनाउंस के लिए होते हैं, ओके। अगर हम बात करें पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की, तो हम देखेंगे कि कौन से प्रोनाउन के कौन से पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो आई का होता है माय, मैं, मेरा, एंड माइन भी मेरा, ओके, वी आर हमारा, आर्स, ही, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट, इट्स, दे, देयर, देयर्स। अब मैं आपको ये बता दूं कि इतने ज्यादा फर्क नहीं है, आई का अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ पजेसिव एडजेक्टिव माय है, तो पजेसिव प्रोनाउन में माइन होगा। इसके अलावा सारे आसाने के सारे जो है हमने आगे एस लगा देना है, यानी कि आर है तो आर्स हो जाएगा, हर है तो हर्स हो जाएगा, देयर है तो देयर्स हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक बात करूँ कि हिज और इट्स ये हमारे लिए सेम है, तो इसका रीजन ये कि ये तो ऑलरेडी एंड ही एस पर हो रहे हैं, ठीक है, हिज भी एस पर एंड हो रहा है और इट्स भी एस पर ही एंड हो रहा है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन से वर्ड्स जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और कौन कौन से वर्ड्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउंस हैं। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है और कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन लगाना है, तो मैं आपको इसको मिसाल से समझाती हूँ कि अगर मैं किसी भी
चीज पर पजेशन जाहिर करी, पजेशन किसी चीज पर ही जाहिर करूंगी ना, अपनी मिल्कियत। तो अगर मैं कार पर मिल्कियत जाहिर करना चाहती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ये देखूंगी कि मिल्कियत मैं जो जाहिर कर रही हूँ, द वर्ड व्हिच इज शोइंग ओनरशिप, वो कार से पहले आ रहा है या कार के बाद में आ रहा है। अगर पहले आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, और अगर बाद में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। और हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो सब्जेक्टिव केस है, और पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे बोले कि मेरी गाड़ी ब्लू है, ठीक है, तो मैं लगाऊंगी स्टार्ट में लगाया तो लगाऊंगी माय, ठीक है, माय कार इज ब्लू। वही मुझे अगर लास्ट में लगाना है द ब्लू कार इज, यानी कि ब्लू गाड़ी, ब्लू वाली गाड़ी मेरी है, बात वही होती है। कान किस हाथ से पकड़ो या उस हाथ से, बस क्या है अल्फाजों का फर्क है कि अगर एंड में या शुरू में आएगा तो माय हो जाएगा, और अगर मुझे वहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाना है तो मैं वहां पर माय की जगह माइंड ही लगाऊंगी, माय की जगह माइंड लगाऊंगी, मायने वही रहेंगे, खाली अल्फाज बदल जाएगा। तो माय कार इज ब्लू, द ब्लू कार इज माइन, दोनों का मतलब एक है, एक गाड़ी है जो कि ब्लू है और वो मेरी है, ठीक है। तो दिस इज सब्जेक्टिव एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव एंड दिस इज पजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब आपने समझ लिए हैं कि हम किस तरह से चारों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम करेंगे एक रिव्यू। ओके, एक लड़की है अलीना, उसके पास है एक पेन जो कि है ब्लू कलर का। अब मैं आपको ये तीन बातें, यही तीन चीजें होंगी और इनको चार तरीकों से बोलकर दिखाऊंगी। सबसे पहले है भैंस के साथ, है भैंस के साथ किस तरह से कि अलीना, अलीना थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके लिए इसके साथ आएगा हैज, अलीना हैज अ ब्लू पेन। ओके, तो अब मैंने इसमें पजेशन का इजहार किया है, पजेशन शो किया है कि अलीना के पास है एक ब्लू पेन। अब मैंने यहाँ पे पजेशन जाहिर किया है हैज के जरिए। नाउ पजेसिव, नाउ यानी कि अपोस्ट्रोफी एस। अब मैं ऐसे लिखूंगी अलीना, नाम लिखते हैं उसके बाद लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस, अलीनास पेन इज ब्लू। वही बात है, सेम इंफॉर्मेशन है, तरीका चेंज है, और इसमें पोजेशन जाहिर हो रही है अपोस्ट्रोफी एस के जरिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसमें मैं अगर अलीना की जगह पे नाम यूज करना, सॉरी उसके नाम की जगह पर प्रोनाउन यूज करना चाहूँ तो अलीना शी होगा, और शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है, तो हर पेन इज ब्लू। ओके, अब यहाँ पर हर जो है वो पजेशन जाहिर कर रहा है, और यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन जाहिर करना चाहूँ तो द ब्लू पेन is, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी hers, क्योंकि अब मैंने ऑब्जेक्ट में लगाया है, लास्ट में लगाया है, तो she का हम possessive pronoun लगाएंगे, objective होता है, ठीक है। तो object में possessive pronoun, subject में possessive adjective, और यहाँ पर जो possession जाहिर कर रहा है वो है hers। तो इस तरह से आपने देखा कि सेम बात पे सेम possession मैंने किस तरह से चार तरीकों से जाहिर की है। ओके, I hope आपको समझ में आया। If you have any question, any queries, you may ask me in comment box. Okay, तो आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल भी है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे कि अगर मुझे ये बोलना है कि फिदा का घर बड़ा है तो किस तरह से मैं इसको चार तरीकों से कह सकती हूँ। Okay, so if you like my video, if you like my content, do like, share, subscribe and don't forget to press the like. Allah Hafiz.